सातव्या दिवशी शिया बांधवांनी मिरवणूक काढून मातम केलाय. यावेळी शिया बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मोहरम उत्सवानिमित्त निरनिराळे धार्मिक कार्यक्रम परंपरेनुसार पार पडत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिया बांधवांनी मातम मिरवणूक काढली. टेलिफोनच्या हेतून या मिरवणुकीची सुरुवात झाली आहे. या हुसेन या हुसेनचा जयघोष करत ही मिरवणूक पार पडली. छोटे बाले इमाम वडे बाले इमाम कोटला या ठिकाणी मातम करण्यात आलंय. प्रतिनिधी आबिद शेख सह आधार न्यूज अहमदनगर. और ये जुलूस जो आपने देखा, हर साल की तरह हम लोग अहमदनगर में पिछले 40-45 साल से आते हैं. ये एक शोक का मीटिंग है, गम का जुलूस है जो हम निकालते हैं शहीदान करबला अलखसूस इमाम हुसैन के याद में, जो 1400 बरस पहले करबला के मैदान में अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ में, असहाब के साथ में शहीद किए गए थे. बड़े बेदर्दी के साथ में, एक रिवायत के हिसाब से 1,00,000 का यजीद का फौज था, मगर इमाम हुसैन अपने 72 असहाब और फैमिली के साथ में ये बताना चाहते थे कि मैं जंग के लिए नहीं आया हूँ. मगर जालिम चाहता था कि इमाम हुसैन जुल्म के साथ को उस बादशाह यजीद का साथ दे, उनका हाथ में हाथ दे और जैसे वो कहे वैसे अमल करे और दीन को पलटा दे. दीन के जो उसूले हैं, जो हकीकतें हैं, जो अच्छाई है, जो सही है, उसको गलत कर दे. जैसे शराब है उसको हलाल करना, जैसे दूसरे और भी गंदगियां हैं उसको हलाल करने का ये उसका डिमांड था. मगर इमाम हुसैन ने कहा कि मैं पैगंबर के दीन इस्लाम को मिटने और ख़राब होने नहीं दूंगा. इस लिहाजा यजीद ने उन पर अटैक किया, करबला के मैदान में घेर दिया और शहीद कर दिया. बस ये 1400 साल से हम लोग हैं इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, मौला अली के चाहने वाले हैं और दुनिया में बहुत बहुत सारे लोग हैं, हर कौम के लोग हैं जो ये गम मनाते हैं. और पूना से, औरंगाबाद से, जुन्नर से, मंचर से, हर साल इस अहमदनगर में हम लोग यहाँ पर इमामबाड़े में आकर, यहाँ पर दो और जो इमामबाड़े हैं वहाँ पर आकर इमाम हुसैन को अपना सलामी अदा करते हैं और यहाँ के लोगों को इस गम में शरीक होने का हम दावत देते हैं. बस शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. हा वीडियो तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी वीडियो पाहण्यासाठी आधार न्यूज YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.